दर्शन करने से पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि ब्रज 84 कोस की यात्रा हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और ये यात्रा जो हम करेंगे वो आपको गोपाष्टमी यानी कि 20 नवंबर से हम इस यात्रा को लेके चलेंगे, जो कि आपके 27 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। तो जितने भी भक्त लोग हैं जो ब्रज दर्पण के साथ यानी कि मेरे साथ इस यात्रा में सहभागिता लेना चाहते हैं, वो हमसे फटाफट से संपर्क करके अपना बुक करा लें, और सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम आपको यूट्यूब के ज़रिए आपको दे देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मानसी गंगा का रास्ता है, और इन गोवर्धन की कुंज गलियों से होते हुए और इन ब्रजवासियों के घरों का दर्शन ये देखिए मानसी गंगा। और आप देख सकते हैं कि हम फाइनली मानसी गंगा के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, और ये वो मानसी गंगा जो भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रागट है। इसका बोले भैया मैं गौ हत्या का पाप कैसे दूर करूंगा, तो ग्वाल बाल बोले आपको गंगा जी स्नान करना पड़ेगा। मैं गंगा जी मेरी पटरानी है, मैं उनके पास में नहीं जा सकता, उसको सर पे धारण नहीं कर सकता, मैं यमुना जी स्नान करना पड़ेगा, मैं यमुना जी भी नहीं जा सकता हूँ। वो बोले तुम्हारे कर्म में संतान है ही नहीं, तो द्रोणागिरि जी बोले मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो इतना सुनते खेम भगवान बोले वाह द्रोणागिरि तू तो बड़ा चतुर निकला, मुझको ही मांग रहा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आया है गोवर्धन नाथ, गोवर्धन की नगरी श्री धाम गोवर्धन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, और इस गोवर्धन में एक बड़ी प्यारी जगह है और बड़ी दिव्य जगह है जिसका दर्शन आज हम आपको कराने के लिए लाए हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण के मन से, कहें तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है गंगा, उस मानसी गंगा का दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये दान घाटी जो कि ब्रजवासियों का बड़ा प्रमुख है, और कहते हैं कि हमारे साक्षात कृष्ण के रूप में ब्रज में कोई दर्शन है तो वो ये गिरिराज पर्वत का ही है जिसका दर्शन आज हम आपको यहाँ से करा भी रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे ये दान घाटी जो कि आप सभी अवगत हैं इस स्थान से, ये अपने आप में अनुपम ब्रज की धरा पे ये गिरिराज पर्वत जो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में कैसे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए यहाँ पर उठाया है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज जी दान घाटी से आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, और हम आपको इसे यहाँ से लेके चलेंगे सीधा मानसी गंगा। ये आप देख रहे हैं ये मानसी गंगा का रास्ता है, और इन गोवर्धन की कुंज गलियों से होते हुए और इन ब्रजवासियों के घरों का दर्शन ये देखिए मानसी गंगा, और ये ब्रजवासियों की छोटी छोटी कुंज गलियाँ हैं हमारे गोवर्धन की, और ये रास्ता दान घाटी से सीधा चलेगा मानसी गंगा के लिए, और हम भी आपको मानसी गंगा लेके चल रहे हैं। जय हो। और आप देख सकते हैं कि हम फाइनली मानसी गंगा के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, और ये वो मानसी गंगा जो भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रागट है इसका, और पूरे गोवर्धन के मध्य में, पूरे गोवर्धन इस गोवर्धन धाम के मध्य में आप देखेंगे कि किस तरह से ये मेरे नीचे ये गंगा है, और ब्रज में गंगा होना और इसकी जो अनुपम लीला भी इसी प्रकार है कि नंद यशोदा जब ब्रज यात्रा कर रहे हैं तो कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के लिए यहाँ पर गंगा मैया को अवतरित किया है, और ये गंगा कोई शंकर की जटाओं से नहीं निकली है, ये गंगा आज भगवान श्री कृष्ण के मन से निकली है, और ब्रजवासियों के लिए गंगा मैया यहाँ पर गोवर्धन में अटूट प्रेम ब्रजवासियों का इस मानसी गंगा से है। और आप देख सकते हैं इस समय हम आपको बेहंगम दृश्यों के साथ में दिखाना चाहते हैं ये समस्त मानसी गंगा का जो आप देखेंगे ये सरोवर है, और गंगा मैया हमारे नीचे है, और इसका जल भी आप देख सकते हैं कितना दिव्य जल है यहाँ पे, और ये गंगा एक जगह पर होना, ये कोई नदी नहीं है कि कहीं से आ रही है कहीं तक एंड हो रही है, जैसा कि आप सभी देखते हैं कैसे गंगोत्री से गंगा जी स्टार्ट होती है और समुद्र में बंगाल की खाड़ी से होते हुए उसका समापन होता है समुद्र में, लेकिन ये गंगा जो आप देखेंगे इस तरह के एक छोटे से समूह में यहाँ पर ये गंगा है गोवर्धन में, क्योंकि ब्रजवासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर उनको बनाया है। आप देखेंगे इस गंगा मैया के तट पर, जैसे हम काशी विश्वनाथ में देखते हैं, बनारस के घाटों पर देखते हैं, ऐसी गोवर्धन के घाटों पर ये छोटे छोटे मंदिर और बुर्जों को आप देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे ये बुर्ज हैं मंदिरों के, और उस बुर्ज के किनारे पर यहाँ घाट भी बने हुए हैं, और आप ये समस्त विहंगम दृश्य कैसे भगवान श्री कृष्ण
ब्रजवासियों के लिए, भक्तों के लिए यहाँ पर मानसी गंगा को प्रकट किया। आप सामने देखेंगे ना, वो जो आप देख रहे हैं वो मुकुट मुखारबिंद, मुखारबिंद का आप दर्शन कर सकते हैं, वो मंदिर, वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन इस समय आप बड़े भाव के साथ में मेरे साथ में आचमन करेंगे, हम आपको आचमन भी कराएंगे इस मानसी गंगा का। अपने आप में दिव्य, कैसे भगवान श्री कृष्ण हम सबके लिए इस गंगा मैया को जो प्रकट किया, और कहानी के अनुरूप तो ये भी है कि यशोदा मैया और नंद बाबा जब ब्रज यात्रा में आए हैं तो यहाँ पर कैसे शाम हो जाती है, और स्नान के लिए जब बात आती है तो गंगा जी का आह्वान भगवान कृष्ण करते हैं कि बाबा मैं गंगा मैया को यहीं बुला दूंगा। भगवान कृष्ण का बड़ा प्रेम है ब्रजवासियों से, बोले तो ब्रज प्राण हैं भगवान श्री कृष्ण के, उन्होंने संपूर्ण तीर्थों को यहाँ पर बुलाया है। यहाँ तो छोड़ो, तीर्थों का तीर्थ राज भी स्वयं इस ब्रज मंडल में है। उसी कड़ी में आप देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे ये गंगा मैया का ये जल स्पर्श करना चाहेंगे। हरिओ गंगे नमः। और अब हम जो आपको लेकर आए हैं वो मुखारबिंद पर लेकर आए हैं, और मुखारबिंद का दर्शन करें उससे पहले हमारे भोलेनाथ का यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और अब भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद में हम आपको उस मुखारबिंद का दर्शन कराना चाहते हैं जिसको हम गिरिराज जी का मुख भी मानते हैं। मुखारबिंद यानी कि गिरिराज जो पर्वत है 21 किलोमीटर में, उसका जो मुख है उसको हम यहाँ पे मुखारबिंद के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं और आपको नीचे लेके चलते हैं, और ये पूरा मुखारबिंद का मंदिर प्रांगण है। हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं आप गौ माता का दर्शन कर सकते हैं, या गौ माता का भी एक बना हुआ है। और मुखारबिंद जो कि गिरिराजी में बड़ा स्पेशल दर्शन है यहाँ पे, और ये गौ माता का आप दर्शन करेंगे ऊपर। आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं हम, और हम मुख्य रूप से मुख्य मंदिर में आ चुके हैं। दान घाटी गोवर्धन में हम इस समय खड़े हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य लीलाओं में आप देखेंगे कि किस तरह से जो गिरिराज जी के मुख का दर्शन जिसे हम माना जाते हैं वो मुखारबिंद का दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति का भी दर्शन है, और ये दर्शन आप करेंगे, ये मंदिर प्रांगण में स्थित है जहाँ पर कि युगल सरकार जो हमारे राधा कृष्ण है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये यहाँ पर गिरिराज जी का जो स्वरूप है, बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा राधे राधे। बाबा किस तरह का दर्शन है ये? कृष्ण बलराम का दर्शन है। कृष्ण बलराम का, तो बाबा कह रहे हैं कि ये कृष्ण बलराम का दर्शन है, और आप सामने देखेंगे का। अच्छा अच्छा, यानी कि जो गिरिराज पर्वत है उसमें भी कृष्ण बलराम का दर्शन हम सब ब्रजवासी यहाँ पर कर रहे हैं, ये कि हमारे और आपके लिए बड़ा अद्भुत है। और जो दर्शन कराना है हम आपको, ये स्नान का ये फवारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और जिन्हें स्नान करना मानसी गंगा में, वो उस तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नान भक्त लोग कर भी रहे हैं। अब हम आपको मुख्य मंदिर की तरफ लेके चलेंगे। करोड़ों भक्तों की आस्था है जो कि आप देखेंगे यहाँ जुड़ी हुई है इस गिरिराज पर्वत से, और कैसे द्वापर काल से लेके आज तक इस गिरिराज पर्वत को हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में देखते हैं, और कहें तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि साक्षात कृष्ण के स्वरूप में हम इसका दर्शन करते हैं। हम मंदिर मुखारबिंद के अंदर का मंदिर प्रांगण का हम आपको दर्शन कराएं। उस दर्शन में आप देख सकते हैं कि सुंदर तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके अलावा ये जो मेन जो दर्शन है यहाँ का गिरिराज जो पर्वत का दर्शन आप कर रहे हैं, कैसे गिरिराज जी को भगवान कृष्ण ने उंगली पर उठाया हुआ है। और ये मंदिर का पूरा दर्शन करने के बाद में यहाँ का जो मुख्य दर्शन है, कैसे मुखारबिंद इस 21 किलोमीटर में फैले मुकुट मुखारबिंद 21 किलोमीटर में फैले इस विशाल पर्वत जो कि कृष्ण स्वरूप पर्वत है, उसमें जो मुख है वो मुख का दर्शन आप कर सकते हैं। और ये मुखारबिंद गोवर्धन मुकुट मुखारबिंद का दर्शन आप इस समय कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे यहाँ पुजारी जी हैं, और उन्हीं से ही जानेंगे प्रभु यहाँ की महिमा क्या है, क्योंकि करोड़ों भक्तों की जो आस्था है वो यहाँ पर आके टिकती है और कहते हैं साक्षात कृष्ण का स्वरूप ही। ये श्री गोवर्धन महाराज हैं, नीचे में गोवर्धन महाराज हैं, बड़े वाले कृष्ण भगवान हैं। जो भगवान कृष्ण ने कन्यूली पे धारण किया है गोवर्धन पर्वत को, 7 दिन 7 रात इंद्रा मान खंडन करके गोवर्धन पूजा इसी जगह पे किया है। जब ग्वालवाल आए हैं साथ में तो भगवान ने कृष्ण ने गोवर्धन पूजा किया है नंद बाबा यशोदा मैया जी साथ। तो ये भगवान का मुख है, ये मुकुट है, ये मेन दर्शन है भगवान का।
अच्छा एक चीज और पूछना चाहते हैं हम कि हम सबको मालूम है कि गिरिराज जी का यहाँ पर जो धारण किया है भगवान ने अपनी उंगली पर, तो गिरिराज पर्वत का हम दर्शन करते हैं। ये जो मानसी गंगा है, इस मानसी गंगा का यहाँ आना, भगवान कृष्ण के मन से प्रकट होना, ये लीला बताइए। जब भगवान ने बकासुर नाम के राक्षस का वध किया है यहाँ पे, भैंसा के सुर में आया था वो, गऊ के राक्षस का भेष धर के, तो यहाँ पे गऊ का बछड़े के रूप में आया था, तो उसका यहाँ पे अंत किया है। जब उसका पैर पछाड़ के यहाँ पे पछाड़ दिया है, तो ग्वाल वाल बोले हम आपके साथ में ना रहेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, क्योंकि आपने गऊ हत्या किया है। वो बोले भैया मैं गऊ हत्या का पाप कैसे दूर करूंगा, तो ग्वाल वाल बोले आपको गंगा जी स्नान करना पड़ेगा। मैं गंगा जी मेरी पटरानी है, मैं उनके पास में नहीं जा सकता, उसको सर पे धारण नहीं कर सकता, मैं यमुना जी स्नान करना पड़ेगा, मैं यमुना जी भी नहीं जा सकता हूँ। तो भगवान ने बांसुरी से खोदा और अपने मन से प्रकट किया गिरिराज पर्वत में से, इसी को मानसी गंगा बोलती है। तो मानसी के नाय से और पाप जाए तानसी को, इसके स्नान आचमन से ही सात पुस्तों के पाप दूर हो जाते हैं। यानी कि ब्रजवासियों के लिए एक तरह से सुख है, ये सुख है, सुख नहीं है, मानसी गंगा मेन गंगा जी है, उस गंगा जी से भी बड़ी गंगा जी है, जो भगवान कृष्ण ने मन से और प्रकट की है अपनी स्वयं बांसुरी से खोद के, ये भगवान का मेन हृदय है। जैसा कि आपने देखा और हमारे पुजारी जी ने जो हमको बताया है कि ये जिस गंगा का दर्शन हम गंगोत्री से करते हैं, उससे भी विशाल गंगा है ये ब्रज में। एक बार पुनः आप मुकुट मुखारविंद का दर्शन कीजिए और ये अद्भुत दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं। मुकुट है, अरे वाह, ये पत्थर में, ये पत्थर नीचे में, नीचे में लड्डू गोपाल जी है जो घर पे पूजा करते हैं गोपाल जी का, ये वही गोपाल जी है। ये इधर में सुरभि गाय के चरण का चिन्ह है, जब इंद्र हार गया था तो ऐरावत हाथी और सुरभि गाय लेके आया, तो भगवान बोले भैया मैं ग्वारिया हूँ, हाथी घोड़ाओं का क्या करूंगा, मैं राजा महाराजा तो हूँ नहीं। भगवान ने गाय को लिया है, सुरभि गाय के चरण का चिन्ह जब इसका अभिषेक हुआ है, जब से इनको गोवर्धन पूजा होता है। तो ये जितने भी हमारे समस्त परिकर हैं, ये सब सेवा यहीं करते, ये सब सेवा यहीं के हैं। तो आप देख सकते हैं कि समस्त भोगों के साथ में भी यहाँ पर गिरिराज जी को चकाचक दूध दही भोग, दूध दही छप्पन भोग का दर्शन होता है, शाम को इस रूप से दर्शन होता है, उधर भी ले जाओ। ये दिखा सकते हैं शाम को जो श्रृंगार होने के बाद में इस मुकुट मुखारविंद का जो दर्शन होता है वो इस प्रकार होता है, आप जो चित्रपट में देख पा रहे हैं। पुजारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े सुंदर तरीके से हम सबको ये किया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मुखारविंद में जहाँ पर कि आप और हम जो दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में लौकिक दर्शन है, और यहाँ पर कहते हैं कि साक्षात कृष्ण का दर्शन भक्त लोग करते हैं इस पर्वत के रूप में, और बाहर निकलते ही गंगा मैया, ये गंगा मैया का मंदिर भी है जो कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, और ये अलौकिक दर्शन हम आपको क्लोज से कराएं। ये गंगा मैया का, जैसे कि मानसी गंगा है तो मंदिर भी यहाँ पर है, और हम इनको भी प्रणाम करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब आपको आगे की तरफ लेके चलें, यहाँ पर एक और देखेंगे चरण चौकी, ये राधे राधे पुजारी जी, और प्रभु है लड्डू गोपाल। अच्छा, ये तीनों लोगों के नाथ, चार युग हो गए गिरिराज जी को यहाँ, सत्यो त्रेता द्वापर कलयुग, तीनों लोगों का नाथ है ये ठाकुर जी महाराज। धन संतान के देने नाले, दूध नहाए पूतन फले, ठाकुर जी की कृपा से जो मांगे वही मिले। लड्डू लड्डू गोपाल का स्वरूप है ये। हाँ, इनको हम जिस भाव से देखोगे, राम देखोगे राम दिखेगा, कृष्ण देखोगे कृष्ण दिखेगा, जैसा भाव बनाओगे वैसा दिखेगा। आप देख सकते हैं इस शिला को, भाव देखोगे वैसा ही आपको दर्शन होगा। ये सारी सेवाएं गिरिराज जी की है, 10.5 किलोमीटर लंबा पर्वत है। रावण के बाबा ने, रावण का बाबा था, ऐसा हुआ था द्रोणागिरी नाम के एक पर्वत राज थे, शरीर पर्वत का था, देव थे वो, तो उन्होंने तपस्या करी, उनकी संतान नहीं थी। रानी ने कही हमारी संतान नहीं है, तो तुम वैसा पूछे धन धान्य ने, तो नारायण की तपस्या करी जाए जिससे कि हमको संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि पति पत्नी के लिए संतान का सबसे बड़ा सुख होता है पृथ्वी पे। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में वो माया, और तीसरा सुख सुरक्षा नारी, और चौथा सुख पुत्र पुत्री आज्ञाकारी। ये ठाकुर जी की कृपा से मिल जाए, तो उन्होंने तपस्या करी, तो नारायण भगवान प्रसन्न भए, प्रसन्न होके पूछा, बोलो द्रोणागिरी जी क्या चाहिए तुमको, सब कुछ मिला हुआ है, तुम राजा हो। तो बोले इस राजपाट का करूं क्या, जब संतान ही नहीं है तो कौन वंश को आगे बढ़ाएगा। वो बोले तुम्हारे कर्म में संतान है ही नहीं, और हो मैंने दे भी दई और धुंधकारी जैसे पैदा है गए, तो फिर तुम क्या करोगे। तो बोले प्रभु कैसे करो, संतान की तो प्राप्ति हो, तो ठीक है तू मेरी, तेरे मेरी तपस्या करी है। नारायण भगवान बोले
तो मैं तुमको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, तुमको कैसा पुत्र चाहिए? तो द्रोणागिरी जी बोले मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो इतना सुनते खेम भगवान बोले वाह द्रोणागिरी, तू तो बड़ा चतुर निकला, मुझको ही मांग रहा है, तथास्तु तुझको पुत्र प्राप्ति होगा मेरा ही। तो पर्वतों के राजा है तो पर्वती पुत्र होगा, तो पर्वत के रूप में गोवर्धन महाराज उनकी झोली में डायरेक्ट विराजमान कर दिया, अपना स्वरूप उनको दे दिया। अब साहब जब पुत्र प्राप्ति हो गई तो उसका नामकरण होता है, तो रावण का बाबा था पुलस्त्य ऋषि था उसका नाम, तो साहब उनको बुलाया गया, वो काशी में तपस्या करते, भोले बाबा की सेवा करते, वो काशी में तपस्या करते भी, तो तपस्या करते तो उनको बुलाया गया नामकरण के लिए। नामकरण के लिए जब बुलाया गया था तो उन्होंने उनका नामकरण कर दिया। अब साहब वो जब नामकरण सब समारोह पूरा हो गया तो द्रोणागिरी जी बोले ब्राह्मण आपकी क्या दक्षिणा दूँ? तो वो बोले तू क्या मेरी दक्षिणा देगा, मुझे तो किसी पैसे से आ सकती है नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, मैं तो ऋषि हूँ नहीं, फिर भी आप हाथ जोड़ के विनती है जरूर मांगो, मैंने संकल्प उसका छुड़वा दीना देगा। अरे हाँ मन बोल ले आए, रोएगा तो नहीं, फिर भी आएगा तो नहीं, नहीं रोऊंगा। तो वो और प्लस ऋषि जानते कि जो गिरिराज जी है ये स्वयं नारायण का स्वरूप है, तो वो बोले ऐसा करो मुझे अपना पुत्र ही दक्षिणा में दे दे। रावण के बाबा ने उनका पुत्री दक्षिणा में मांग लिया, ऐसे उन्होंने भोले बाबा से लंका मांग ली थी। भोले बाबा ने पुलस्त्य ऋषि को जब बुलाया था तो उनसे क्या करवाया था, उस जो लंका बनाई थी उसका उद्घाटन करवाया, दक्षिणा में लंका ही मांग ली, ऐसे उससे पुत्र मांग लिया। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर बैठ के तपस्या करूंगा, नारायण की गोदी में खेलूंगा, मुझसे बड़ा परम सुखदायी कौन है। तो साहब अब वो तो था वचनबद्ध हो गया, अब उसने रोते रोते अपना पुत्र रावण के बाबा को दान कर दिया, उसको दान कर दिया। दान करने के बाद उसको अब भगवान बोले ऐसा है तुमने पिता पुत्र का वियोग करा दिया है, तुम्हारे संग तो मैं जब चलूंगा तुम मुझे वचनबद्ध दोगे, तुम मुझे कहीं भी नहीं रखोगे, जहाँ रख दोगे वहां से उठूंगा नहीं। अब वो काशी ले जा रहे उनको वचनबद्ध, मैंने कहा ठीक है मैं तुझको कहीं रखूंगा नहीं और तुझे सीधा ही अपने पास ले जाऊंगा। ठीक, अब साहब जैसे वो आए ब्रज में तो लीला करनी थी भगवान ने, तो भगवान ने क्या किया उनकी बुद्धि भ्रमत कर दी थी, पुलस्त्य ऋषि की बुद्धि भ्रमत कर दी। बुद्धि भ्रमत करे विनय गिरिराज जी यहाँ स्वरूप में रख दिए, यहाँ आस पास में तीन देव है, ये तो है गोवर्धन महाराज नारायण का स्वरूप, नंदगाम में नंदेश्वर महादेव उसकी आज भी शिवलिंग की वो निकलती है, और एक बरसाना उसे ब्रह्माचल पर्वत, तीनों देव विराजमान है यहाँ, ये बात सही। यहाँ तो ठाकुर जी ने वो विराजमान कर दिए। विराजमान करने के बाद में अब जैसे ही वो नहाए धोए के यमुना जी यहाँ तक यमुना नदी तक बहती थी, तो उन्होंने जैसे ही उनको उठाना प्रारंभ किया, अब वो उठे नहीं, रावण के बाबा को क्रोध आ गया, ये क्या कर रहा है लाला, तो ये करके आ रहा है उठ नहीं रहा है, तुम वचनबद्ध हो तुमने यहाँ कहीं बोल दूंगा रख दूंगा, वहां से दोबारा उठूंगा नहीं। अब वो जैसे ही वो क्रोध में आए या सुन के वचनों को, उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को ही, जब भगवान को कोई श्राप लगता नहीं है, फिर भी उन्होंने उनका श्राप ग्रहण कर लिया कि तुम तिल तिल कटोगे नहीं विराजमान हो जाओ नहीं धरती में, ये जो रहस्य है कि तिल तिल कटने का, तिल तिल कटोगे वो तुम इसी पृथ्वी में ही ब्रज की में ही समाहित हो जाओगे, इतना उन्होंने वो कह दिया। अब कहने के बाद मैंने कही ऐसा रस्ते मुनि ये तो मेरी लीला है जो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी जब व्यापे सरस्वती मैं नहीं बैठाई, तुम्हारी बुद्धि मैं नहीं भ्रमित करी, तुम्हारा श्राप मैं स्वीकार करता हूँ, जबकि मुझे कोई श्राप श्राप नहीं लगता है, मैं परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मुझको कोई श्राप नहीं लगता है। जब ये द्वापर युग आया, द्वापर युग में तो गिरिराज जी यहाँ विराजमान थे, तो इंद्र देवता की पूजा होती थी, तो देवी देवताओं को पूजने का ही विधान है, हम देवी देवताओं को पूजें और उनसे जो वरदान प्राप्त हो उनसे अपने भोग करें, जो कोई भी व्यक्ति जो भगवान के दिए हुए प्रसाद वितरण जमीन जायदाद को उनके दिए बगैर भोगता है तो वो पाप को ही भोगता है, जब तक तुम उसको स्वीकार नहीं कराओगे ठाकुर जी को वो चीज मान्य नहीं होती है। तो कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में ठाकुर जी की पूजा करवाई, जब इंद्र का कान मान मंदिर कराया और गिरिराज जी की पूजा करवाई, तो गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट होके ब्रजवासियों से प्रसाद वितरण किया और ठाकुर जी ने
उनको आशीर्वाद दिया। ठाकुर जी ने एक ही वचन बोला, ब्रजवासी तो मेरे प्राण, इन्हें कभी नहीं बिसारूंगा, मुझे नंद बाबा की यार, ये ब्रजवासी भगवान के प्राण दे हैं। ठाकुर जी, आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम है साहब अजय दीक्षित, गिरिराज जी की कृपा, ठाकुर जी के आनंद। ठाकुर जी की ये सब लीलाएं हैं, इनकी लीलाएं तो कोई नहीं जान पाता है। ठाकुर जी की लीला मत जानो गुड़ को चीला, हमें इसी मुनि गए हार रटे जा रहा थे राधे। आज हमने जाना कि किस तरह से यहाँ गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति हुई और कैसे इस मानसी गंगा की उत्पत्ति हुई, ये दोनों के रहस्यों के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्रीधाम गोवर्धन से, मानसी गंगा से, मुकुट मुखारविंद से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।